राजस्थान में उत्तर पश्चिमी इलाकों के अंदर बादल छाए लेकिन बरसात नहीं हुई, क्योंकि आप सभी को बता दें कि अब बारिश का सीजन खत्म हो चुका है राजस्थान में और तापमान के अंदर अब बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की, लेकिन मौसम के अंदर किसी भी तरह की बारिश की संभावनाएं नहीं है। अब आप सभी को दिखाते हैं आपके जिले का मौसम क्या कुछ बना हुआ है। राजस्थान में तापमान में उतार चढ़ाव शुरू होने के साथ ही धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी। अजमेर, कोटा, धौलपुर, बारह में कल रात तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर में भी रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने से यहाँ ठंडक बढ़ गई। दूसरी तरफ दिन के तापमान में बढ़ोतरी से कल कई शहरों में गर्मी मामूली बढ़ी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव रहने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौसम बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में कल देर शाम आसमान में बादल छाए। अरब सागर में मौजूद डिप्रेशन सिस्टम से आई नमी हवाओं के कारण आधे राजस्थान में कल दोपहर बाद बादल छाने शुरू हो गए और देर रात तक 10 से ज़्यादा जिलों में बादल छा गए। राज्य के कई शहर में कल दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई। जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, करौली सहित कई जिलों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।